हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एक्चुएटर। एक्चुएटर्स आर डिवाइसेस यूज्ड टू प्रोड्यूस एक्शन और मोशन। तो एक्शन और मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, उसे बोलते हैं एक्चुएटर्स। एक्चुएटर इज अ डिवाइस दैट स्टार्ट्स और स्टॉप्स मैकेनिकल इक्विपमेंट विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड, इलेक्ट्रिक करंट, एयर और अदर सोर्सेस। तो एक्चुएटर ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल इक्विपमेंट को स्टार्ट या स्टॉप करता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सोर्सेज लाइक हाइड्रोलिक फ्लूइड, इलेक्ट्रिक करंट, एयर, ईटीसी। एक्चुएटर्स आर यूजुअली यूज्ड इन ऑटोमेशन टू कंट्रोल द मोशन ऑफ ए मूविंग मेंबर इन एनी मशीन। तो एक्चुएटर का मेनली यूज कहाँ पर किया जाता है? जब हमें ऑटोमेशन लाना होता है मशीन्स में, यानी कि हम ऑटोमेटिकली जो है मशीन के किसी भी मेंबर को ऑटोमेटिकली रोटेशन में लाना चाहते हैं या फिर उसका रोटेशन ऑफ करना चाहते हैं, यानी कि किसी भी मूविंग मेंबर का रोटेशन कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उस केस में हमें एक्चुएटर्स का यूज़ करना पड़ता है। एन एक्चुएटर रिक्वायर्स अ कंट्रोल सिग्नल एंड ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एक्चुएटर के पास एक कंट्रोल सिग्नल होना चाहिए कि कब उसे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, और दूसरा उसके पास सोर्स ऑफ एनर्जी होनी चाहिए जिसके थ्रू वो इस एक्शन को परफॉर्म कर सके। आफ्टर रिसीविंग अ कंट्रोल सिग्नल द एक्चुएटर रिस्पॉन्ड्स बाय कन्वर्टिंग द एनर्जी इंटू मैकेनिकल मोशन। तो जैसे ही एक्चुएटर को कंट्रोल सिग्नल मिलता है तो एक्चुएटर क्या करता है, जो उसे इनपुट सोर्स मिल रहा है उसको वो मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक्चुएटर का फंक्शनल डायग्राम क्या होगा, कि हम कंट्रोल सिग्नल देंगे एक्चुएटर को, ये जाएगा सिग्नल एम्पलीफिकेशन के पास, सिग्नल एम्पलीफिकेशन के बाद ट्रांसड्यूसर के पास। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एक एनर्जी फॉर्म को दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी कन्वर्ट होगी वो मैकेनिकल मोशन में होगी और फिर फिजिकल प्रोसेस परफॉर्म होगी। तो यहाँ पर एम्पलीफायर कन्वर्ट्स द लो पावर कंट्रोल सिग्नल इनटू ए हाई पावर सिग्नल, एंड ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ द एम्पलीफाइड कंट्रोल सिग्नल इनटू वर्क। तो यहाँ एक्चुएटर को दो इनपुट्स चाहिए होते हैं, एक तो कंट्रोल सिग्नल और दूसरा क्या होता है, एनर्जी सोर्स। जो कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है एक्चुएटर को, उसको हमें लो पावर से हाई पावर में एम्पलीफाई करना होता है, इंक्रीज करना होता है, उसके लिए यहाँ पर सिग्नल एम्पलीफिकेशन का यूज़ होता है। और फिर जो सोर्स ऑफ एनर्जी इनपुट दी गई है एक्चुएटर को, प्रेशर भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट भी हो सकता है, उसको उसे किस में कन्वर्ट करना होता है, मैकेनिकल मोशन में। तो उसके लिए यहाँ पर ट्रांसड्यूसर का काम होता है जो एम्पलीफाइड कंट्रोल सिग्नल को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट कर देता है। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पावर एक्चुएटर्स कैन बी कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग टाइप्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनर्जी सोर्स जो दी जा रही है एक्चुएटर को वो डिफरेंट हो सकती है, और उस सोर्स ऑफ पावर के अकॉर्डिंग एक्चुएटर्स को फॉलोइंग टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। हाइड्रोलिक एक्चुएटर, पैन्यूमेटिक एक्चुएटर, इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर, थर्मल और मैग्नेटिक एक्चुएटर, मैकेनिकल एक्चुएटर एंड सॉफ्ट एक्चुएटर। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट टाइप देख लेते हैं कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर क्या होता है। दोस एक्चुएटर्स यूटिलाइज हाइड्रोलिक एनर्जी फॉर ऑटोमेशन। हाइड्रोलिक का मतलब होता है वाटर। तो वो एक्चुएटर्स जो हाइड्रोलिक एनर्जी को यूज़ करते हैं ऑटोमेशन प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि किसी भी डिवाइस को मोशन प्रोवाइड करने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स। अ हाइड्रोलिक एक्चुएटर कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर और फ्लूइड मोटर दैट यूजेस हाइड्रोलिक पावर टू फैसिलिटेट मैकेनिकल ऑपरेशन। और हाइड्रोलिक एक्चुएटर के अंदर एक सिलेंडर और फ्लूइड मोटर होता है जिसके थ्रू वो क्या करता है, हाइड्रोलिक पावर को मैकेनिकल ऑपरेशन में कन्वर्ट करता है। द मैकेनिकल मोशन इज कन्वर्टेड टू लीनियर, रोटेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। और ये जो मैकेनिकल मोशन प्रोड्यूस करता है एक्चुएटर, वो लीनियर रोटेटरी मोशन भी हो सकता है या फिर ऑसिलेटरी मोशन भी हो सकता है। वो किसी ऑब्जेक्ट को लीनियरली भी मूव कर सकता है, रोटेटरी भी मूव कर सकता है या फिर ऑसिलेट भी कर सकता है। सो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स कैन प्रोड्यूस रोटेटरी, लीनियर और ऑसिलेटरी मोशन। दे हैव हाई फोर्स कैपेबिलिटीज एंड आर प्रेफर टू कंडीशंस वेयर हैवी इक्विपमेंट्स आर टू बी मूव्ड। तो ये जो एक्चुएटर्स होते हैं इनमें हाई पावर की कैपेबिलिटी होती है, हाई फोर्स कैपेबिलिटी होती है, और इनको हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी हैवी इक्विपमेंट को मूव करना होता है ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर। दीज एक्चुएटर्स कैन जनरेट अ लार्ज आउटपुट फोर्स फॉर वेरी स्मॉल इनपुट फोर्स एंड आर ऑल्सो एबल टू मेंटेन इट्स मैकेनिकल स्टिफनेस। और ये एक्चुएटर्स क्या करते हैं, लार्ज आउटपुट फोर्स को प्रोड्यूस करते हैं अगर हम उन्हें स्मॉल इनपुट फोर्स देते हैं, इसीलिए इनको हैवी इक्विपमेंट्स को मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है और इनकी मैकेनिकल
स्टिफनेस भी मेंटेन रहती है। एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक सेंसर्स आर इन क्लोज लूप वेलोसिटी कंट्रोलिंग हाई प्रिसाइज पोजिशनिंग फॉर हैवी लोड्स। टिपिकल हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स कंसिस्ट ऑफ ए होलो सिलेंडर एंड ए पिस्टन अरेंजमेंट। द पिस्टन कैन एग्जीक्यूट रेसिप्रोकेटिंग मोशन बाय प्रेशराइजिंग एंड डीप्रेशराइजिंग द सिलेंडर टू मूव द मैकेनिकल सिस्टम। तो जो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स होते हैं उसमें होलो सिलेंडर रहता है और एक पिस्टन अरेंजमेंट रहता है। तो अगर हम सिलेंडर को प्रेशर देते हैं और डीप्रेशराइजिंग करते हैं तो जो पिस्टन होता है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोड्यूस करता है जिससे मैकेनिकल सिस्टम जो है मूव हो सके।